खाया उसने नहीं और शक्ल पर 12 तुम्हारे बजे हुए हैं। कुछ अपना नहीं तो इस बच्चे का ही ख्याल कर लो। हाँ तो उसी बच्चे की तो बात करने आई हूँ ना आपसे। लेकिन मैं इस उसी बच्चे की बात कर रहा हूँ। कोई हल निकालो इस मसले का, ये अब ज्यादा नहीं चल सकता। बाबू भैया आप इतने छोटे बच्चे के शादी भी तो नहीं कर सकते। छोटे बड़े हो जाते हैं अगर जिम्मेदारी दो, खाने दो इन्हें भी शादी का लड्डू। जैसे इंश्योरेंस एजेंट सही वक्त पर सही एड्स देते हैं, एडवाइस देते हैं, बिल्कुल उसी तरह परफेक्ट लाइफ फार्मेसी हूँ मैं, लाइफ पार्टनर हूँ मैं। क्या पढ़ रहे हो यार, ये कैसी राइटिंग है यार, एक तो डॉक्टर की राइटिंग समझ में ही नहीं आती है। लाइफ पार्टनर हूँ मैं आपकी बेटी के लिए, इंश्योरेंस के लिए पेट पॉलिसी खरीदनी आनी, बेस्ट पॉलिसी खरीदी। यार ये क्या बकवास है यार, ये थर्ड क्लास स्पीच याद करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। अरे यार मैंने डॉक्टर फारिया से ऑफ लेकर ये स्पीच लिखी है ताकि तुम्हारा सीन ऑन करवा सकूं। तुम्हारे फादर से मिलना है, मैं मिल लूंगा जाके। यार ये थर्ड क्लास लाइंस बोलना जरूरी है क्या? तुम पापा से नहीं, एक सीनियर इंश्योरेंस मैनेजर से मिलने जा रहे हो, उनकी बेटी का हाथ मांगने। एक मिनट, पहले तुम मुझे क्लियर कर दो, मैं बर्थ रिकवरी के लिए जा रहा हूँ या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने? दोनों ही करने जा रहे हो। सही है बिल्कुल। तुम और तुम्हारी फैमिली ना मजे ले रही है मुझे डुगडुगी पे नचा कर, अच्छे खासे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बंदर बना के रख दिया यार। सच्ची बन जाओ तुम अब अच्छी। ये ड्रेस पहन के जाओगे तुम वहाँ? ये 35,000 रुपए का कोट, ये 50,000 रुपए के जूते, और क्या पहनूं? चट्टी पहन लूं पहन के पर सुपरमैन की तरह? इतना हैंडसम स्मार्ट वेल एजुकेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं मैं, तुमने मुझे हल्का लिया हुआ यार। अच्छा सही है, पापा के सामने लंगड़ाना मत। अरे तारा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है कुर्बानी के लिए बकरा यार? एक ही बात है। सही है, नसीहत करूंगा अपने आने वाली 4 नस्लों को कि बेटा भैंस पाल लेना, घोड़ी पाल लेना, बकरी पाल लेना, यहाँ तक कि खुश फैमिली भी पाल लेना, लेकिन कभी किसी लेडी डॉक्टर से मोहब्बत न करना, आसानी से मरने भी नहीं देगी वो। इतनी लंबी लंबी फजूल बातें करवा लो तुमसे, लेकिन मेरी लिखी हुई 4 लाइनें ना बोली गई तुमसे। क्योंकि डॉक्टर सिर्फ दवाइयों के नाम लिखते हुए अच्छे लगते हैं। अब चलो प्लीज। चलो गाड़ियाँ प्रैक्टिस कराऊं तुम्हारे। भाई अब मुझे और प्रैक्टिस नहीं करनी प्लीज यार, मैं बोल लूंगा जो कुछ मुझे बोलना होगा। सीधा चलो, कोशिश तो करो। चोट लगी हुई है तारा। अच्छा तुम आगे चलो, मैं सीधा चलता हूँ। चलो आगे चलो। यार ये दुनिया मार्च पे चली गई है और ये लोग जो लड़कियों की शादी से बाहर ही नहीं आ रहे। मुझे बताऊं मैं किस दीवार पे जाके अपना सर फोड़ूं? रूमी और उसकी अम्मा ने कल से मुझे वर्कआउट किया हुआ है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो लड़का उनकी बेटी के लिए तमीज से स्टैंड नहीं ले सकता वो उसका साथ खाक देगा क्या? हाथ स्टैंड लेने की नहीं है, बात है हमारे पेरेंट्स की इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। उनका स्कूल ऑफ थॉट फर्क है, हमारा फर्क है, हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं समझ सकते वो। ये लो फुटबॉल, लो डॉलर का, इसको अपने सर पे मान। नहीं इस बॉल को ना किक मार के अपना सारा अग्रेशन निकाल दो। ये खुदकुशी वो करता, ये बुजदिलों के काम है यार, अपनी सारी एनर्जी गेम पे लगाओ। ये